व्यापारी को हनी ट्रैप में फंसाकर लूट का षड्यंत्र रचने के मामले का पर्दाफाश बाबागढ़ पुलिस ने शुक्रवार को कर दिया और आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। हापुड़ के पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा का कहना है कि मामले में कांस्टेबल सचिन बालियान की बेहद महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिन्होंने बड़ी ही समझदारी के साथ घटना का पर्दाफाश किया। इस अवसर पर सचिन बालियान को हापुड़ के पुलिस अधीक्षक ने सम्मानित किया। ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, बहुत सफल घटना का अनावरण किया और मैं बताना चाहूँगा हमारे इसमें जो कांस्टेबल सचिन बालियान का बहुत ही प्रमुख रोल रहा है और मैं उनको बधाई भी देता हूँ कि उन्होंने पूरे घटनाक्रम को इतने त्वरित और बहुत अच्छे तरीके से सुलझाया है। तो एक बार हमारे कांस्टेबल सचिन बालियान है, मैं उनकी बहुत बहुत प्रशंसा करता हूँ। दरअसल पुलिस को गुरुवार की रात लूट की सूचना मिली थी। पुलिस ने मामले की तहकीकात की तो लूट फर्जी पाई गई। हालांकि हनी ट्रैप का मामला भी सामने आया। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। साथ ही लकड़ी व्यापारी से वसूली गई 2.5 लाख रुपए की रंगदारी को भी बरामद कर लिया। पुलिस ने कुछ ही समय में घटना का पर्दाफाश कर दिया, जिसमें कांस्टेबल सचिन बालियान ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिन्हें SP ने सम्मानित किया। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार मिश्र, क्षेत्राधिकारी हापुड़ अशोक सिसोदिया आदि उपस्थित रहे। जानिए क्या है पूरा मामला। देखिए, कल शाम बाबूगढ़ पुलिस को एक लूट की सूचना 112 के माध्यम से प्राप्त हुई थी। स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और COCT और एडिशनल SP साहब भी मौके पर पहुंचे। प्रथम दृष्टया ये प्रतीत हुआ कि ये सूचना पूरी तरीके से निराधार एवं फर्जी। जब इसको पुलिस टीम ने इन्वेस्टिगेट किया तो इसमें पाया कि ये घटना लूट से रिलेटेड ना होकर के एक सेक्सटॉर्शन रैकेट से जुड़ी हुई है। इसमें 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम सुविंदर, रविंदर और अनिल है। ये सभी बाबूगढ़ थाना क्षेत्र के निवासी हैं। इन्होंने एक सोची समझी साजिश के तहत जो वादी हैं उनके पिता का एक आपत्तिजनक स्थिति में एक वीडियो बनाया और उस वीडियो को वायरल करने के एवज में इन्होंने वादी एवं उनके पिता से 2.5 लाख रुपये की डिमांड करी। जब इस रुपये को वादी ने विश्वास में सुविंदर को दिया, सुविंदर अनिल और जो रविंदर हैं उनको विश्वास में लेकर के दिए कि ये पैसे आप जाकर के उन व्यक्ति को दे दीजिए जो हमसे एक्सट्रॉशन की डिमांड कर रहे हैं, तब इन्होंने मौके का फ़ायदा उठाते हुए जो वादी उनको ये फ़ोन कर रहा कि हमारे साथ लूट हो गई है और ये आपने जो 2.5 लाख रुपये हमको ये फिरौती के लिए दिए थे जो आपसे एक्सट्रॉशन डिमांड करे थे हम उनको नहीं दे पाए। पुलिस को जब ये सूचना प्राप्त हुई, पुलिस ने तुरंत सभी टेक्निकल एस्पेक्ट्स को इसमें इन्वेस्टिगेट किया और इसमें यही पाया गया कि सुविंदर, रविंदर और अनिल बड़े पैमाने पर एक्सट्रॉशन रैकेट चला रहे थे और इन्होंने पूरा बकायदा 22 तारीख को सुविंदर ने अपने फार्म हाउस में कैमरा इंस्टॉल किया, एक महिला का प्रबंध किया और उसके साथ आपत्तिजनक स्थिति में वादी के पिता की एक वीडियो बनवाई और वीडियो बनवा करके उसको स्वयं वायरल करके ये बताया कि ये वीडियो आपकी किसी ने बना रही और वो आपसे एक्सट्रॉशन के पैसे डिमांड कर रहा है। तो थाना बाबूगढ़ पुलिस ने बहुत ही कम समय में एक बहुत बड़ी घटना का अनावरण किया है। साथ ही साथ इसमें जो 2.5 लाख रुपए जो एक्सटॉर्शन के लिए डिमांड किए जा रहे थे, जिनको बोला गया था कि लूट लिए गए हैं, वो बरामद कर लिए गए हैं और इसमें जो सुविंदर हैं अभियुक्त, उनका पहले भी इस तरीके का आम शौरत रही और उनके ऊपर काफ़ी मुकदमे 406, 420 ऐसी धाराओं में गाजियाबाद और हापुड़ में दर्ज हैं।